ए दोस्तों, तो क्या हाल चाल? बहुत दिन बाद आ गए हैं नए वीडियो के साथ। तो बताओ बताओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा क्वारंटाइन डेज? तो इन क्वारंटाइन डेज में पबजी को करो इम्प्रूव और अपने स्किल्स को भी करो इम्प्रूव। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हिप फायर करते हैं और हिप फायर क्या होता है। तो वीडियो के साथ बने रहो और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी लाइक दैट ब्रो, थैंक यू। एक दिन में करीब करीब मेरे 100 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा थैंक यू। और स्ट्रीम देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो चलो ट्रेनिंग रूम में और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो चलो आ गए ट्रेनिंग रूम पे। तो सबसे पहले कोई भी एक गन उठा लो और बैकपैक उठा लो। मैं रेकमेंड करूंगा M4। आपका फेवरेट गन क्या है कमेंट में जरूर बताना, आपका फेवरेट गन क्या है। तो M4 या आपका जो भी फेवरेट गन है वो ले लो, उसके साथ हेलमेट, वेस्ट और बैकपैक ले लो। अटैचमेंट चाहे तो लगा सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो नहीं लगा सकते हो। नो नीड फॉर अटैचमेंट, क्योंकि हिप फायर क्या है दिखाते हैं मुझे। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग फायर करते हैं तो अपना ADS जो है, एम डाउन साइड जिसको कहते हैं, स्कोप ओपन करके जो हम मारते हैं, ADS, हम ADS ऑन करके मारते हैं। तो चलिए देखते हैं ADS ऑन करके सिनेरियो कैसा होता है। ध्यान से देखना है वीडियो पूरा। ये देखिए, ये होता है ADS। मैं जो स्कोप ओपन कर रहा हूँ इसको बोलते हैं ADS, एम डाउन साइड, मतलब स्कोप ओपन करके जो ये जो पेला जा रहा है इसको करते हैं ADS। ठीक है, इतना अच्छा नहीं हो रहा है मेरा एम, क्योंकि मैं भी नूब हूँ ना इसीलिए। तो इसको देखो, ये होता है ADS। ये देखो एम लॉक जो हो रहा है, एम लॉक वन टारगेट टू अनदर टारगेट, ये होता है ADS। और हिप फायर क्या होता है देख लो, विदाउट ओपनिंग स्कोप, ये जो मतलब क्रॉस हेयर के माध्यम से अगर हम फायर करते हैं टारगेट पे तो उसको कहते हैं हिप फायर। तो ये है ड्रिल नंबर वन हिप फायर प्रैक्टिस। इस टारगेट बोर्ड पे आ जाओ और ऐसे लेफ्ट टू राइट चलते रहो, लाइक मूवन फायर में जो ट्यूटोरियल में सिखाए थे, लेफ्ट टू राइट वैसे ही करते रहो। और आपका जो एम है ना, वो जो एम मोड है उसके एकदम बीच में होना चाहिए। उसके बाद इन टारगेट्स में आ जाओ, जो यहाँ पर रेंज में टारगेट बोर्ड्स है उसमें थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस से आप देख लो। पहले बहुत पास से करो, फिर थोड़ा मीडियम जो डिस्टेंस है लाइक 15 टू 20 मीटर, इन डिस्टेंस में करो। उसके बाद धीरे 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 डिस्टेंस भी बढ़ाते रहो, क्योंकि अगर आप ओपन में हो हर वक्त ADS नहीं काम करता। मतलब ADS ओपन कर रहे हो और आपका एनिमी बहुत मूव कर रहा है, आपका ADS ओपन के ओपन ही रह जाएगा, एनिमी नहीं मरेगा, आप मर जाओगे। तो ये ड्रिल नंबर टू। और ड्रिल नंबर जो थ्री है वो है ये, यहाँ पर आपका क्या सीनरी होता है, ये जो आप देख सकते हो ये जो है टारगेट, जो मूविंग टारगेट्स है उस पर आप कोशिश करो एम लॉक करने का जितना ज़्यादा हो सकता है। टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि भाई बहुत फास्ट भी मूव करते हैं। उसके बाद सिंगल टैप से एक एक टारगेट को गिरा दो। इससे हिप फायर का जो क्या होता है, क्रॉस हेयर रिप्लेसमेंट जो होता है, क्रॉस हेयर का जो प्लेसमेंट है, सही जगह पर क्रॉस हेयर अगर प्लेसमेंट नहीं होता, आपका क्रॉस हेयर अगर एनिमी के पैर पे है और आप बोल रहे हो एनिमी क्यों नहीं मर रहा है, तो पैर पे गोली मारेगा तो थोड़े मरेगा एनिमी, बात तो ये है ना। तो क्रॉस हेयर प्लेसमेंट ऐसे आप बढ़ा सकते हो। तो ये था ड्रिल नंबर थ्री। इसके अलावा और एक ड्रिल है, आप जा सकते हो पार्किंग लॉट में। पार्किंग लॉट में जाने के बाद अब देखोगे ऐसे, ये जो देख सकते हो ये जो बैरल्स है, तो इन पे भी आप गोली ऐसे मार सकते हो, लाइक सिर्फ बीच वाले बैरल में। तो इससे क्या होता है, आपका एम जो होता है, आपका गोली का जो स्प्रेड होने का जो एरिया होता है उसको आप घटा सकते हो। लाइक इस कार में भी आप मार सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट में, सिर्फ पार्टिकुलर उस जगह में अगर आप ऐसे फायर करते रहते हो तो आपका जो एम है, जो हिप फायर है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो ये थे कुछ ड्रिल्स, और ये ड्रिल्स अगर आप रोज़ 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करते हो ट्रेनिंग रूम में तो भाई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, मान के तो देखो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर से थैंक यू इतना ज़्यादा सपोर्ट और लव के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और
स्ट्रीम करेंगे, आज दोपहर में नहीं कर पाए तो रात को करेंगे स्ट्रीम, चलो कुछ कोई नहीं। और क्या ही बोले तुमको, लव यू गाइस, लव यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देख लो आउट्रो। You can never beat them and they're better than you, face it. Thinking that they giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking